हसीन समा हसीन पल, शाम के बज रहे कुछ सवार और अब भी आसमान में तारे नहीं सूरज चमक रहा है। अभी शाम हो रहा है, अब देखिए नज़ारे देखिए, लोग अभी भी वर्जिश कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और आईफिल टावर एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूँ बोट पर डिनर के लिए मेरे पति और मेरी बेटी के साथ। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आईफिल टावर का मज़ा लिया जाए। तो कुछ बातें मैं लोगों से करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि जब आप पेरिस आए तो ढेर सारे पैसे ज़रूर लाइएगा, क्योंकि आप अगर बजट में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग पछताएंगे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। भले ही फ्लाइट की टिकटें आप इकोनॉमी में आ जाए या दो स्टॉप्स लेके भी आ जाए रेट कम करने के लिए प्लेन का, बट डेफिनेटली आइए, बहुत सारा पैसा लेके आइए। और लड़कियों, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांडेड शॉप्स हैं, लुई विटॉन है और क्या क्या बड़े बड़े शॉप्स के नाम हैं मुझको तो पता भी नहीं, याद भी नहीं, फ्रेंच में तो बोलना भी नहीं आता, शनेल है, डियोर है। आओ शॉपिंग करो, लाइफ में एक बार तो ये करना चाहिए। तो और क्या कहूँ, आज हमने पैलेस किया है और पैलेस में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पेंटिंग्स, राजे महाराजे उनका लाइफस्टाइल और भी बहुत कुछ। कुछ ही क्षणों में अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा होने से पहले ही मैं आपको यहाँ के नज़ारे बता देती हूँ। सो पीपल, हाउ एम आई? देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और अगर आप आसमान में देख पा रहे होंगे एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है। पाँच दिनों के लिए कुछ लोग आते हैं, 10 दिनों के लिए, हम यहाँ आए हैं पहले बार के लिए। देखिए यॉट है, वो शायद से चर्च है कोई, तो है ना, सुंदर जगह। आशा करती हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप सब लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरा ये चैनल और डेफिनेटली मुझे कमेंट्स देंगे। तो तब तक के लिए मर्सी। Paris Orleans. स्वीट मायरा, ए बेटा दिखा रही हूँ, देखिए लोग कैसे आनंदमयी है। सो क्रूज निकल पड़ा है, हम पूरी शहर का चक्कर लगा रहे हैं। इनोदिता नाम टेकी को पेरिस कैनल से हम लोग कर रहे हैं, गोल 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 रानी, इतना इतना पानी, बहुत मज़ा आ रहा है।
देखिए कैसे लोग आनंद में ही है, आपको दिखा। दोस्तों देखिए, ये है नोट्रे डेम जो भीषण आग ग्रस्त हो गया था और जल गया था। आपको बता दें, जो 2024 में सफर करना चाहेंगे तो ये जरूर खुल जाएगा आप लोगों के लिए। आइएगा, देखिए किस तरीके से अपने इतिहास को बचाया जा रहा है, किस तरीके से अपने इतिहास को जतन किया जा रहा है और शहर को भी किस बखूबी तरीके से जतन किया जा रहा है। लोग नदी के किनारे पे बैठ के पूरा आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। के भी अनजाने कैसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है। बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है ये बोट का, खाना भी बढ़िया है और लोग भी बढ़िया है। देखिए कैसे कोने में बैठ के मस्त आनंद ले रहे हैं, किस चीज का, मदिरा का। Then an evening in Paris, ये सही में an evening in Paris है। देखिए चांद अपने फुल पूरे गुमान में है, पूर्णिमा था शायद से कल। और ये देखिए लोग किस आनंद और उत्साह से अपना शाम व्यतीत कर रहे हैं अपने प्रियकरों के साथ। मेरे को लगता है मोदी जी भी कुछ इसी तरीके से चाहते हैं अपने भारत देश को, जैसे वो कहते हैं फॉर एवर यंग, यंग इंडिया। तो यही है बात, इससे हमें सीख बहुत कुछ मिलती है। जन्मदिन तो मेरा है पर मुझे ही गाना पड़ेगा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे ओ मेघना, हैप्पी बर्थडे टू मी। इसका श्रेय जाएगा मेरे पतिदेव को जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए मेरे तरफ पीछे पीछे पीछे, मुझे बहुत इंतज़ार था रात्रि का। नज़ारा पेरिस का कुछ इस तरीके से है। वो कहते हैं ना, हर शहर का एक जागने का और एक सोने का टाइम होता है। लगता है जागने का टाइम तो यही है भाई साहब। और देखिए जोड़िए रे, और ये है चंदा मामा। अभी चांद आया है, पूर्णिमा का समय है, तो चांद तो बहुत ही सुंदर लग रहा है पेरिस के आसमान पर। ओके okay.